साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में लगातार सियासी बवाल चल रहा है, लगातार हंगामा चल रहा है और अब इस बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि आदित्य ठाकरे ने कुछ ऐसा कह दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है कि लोग कहने लगे हैं कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी वाली कुल्हाड़ी मारी है और जोकर वाले मामले पर दबिश तक होने की खबर है, बड़ा एक्शन होने की खबर है, यहां तक कि गिरफ्तार कर लाए जाने की, कोर्ट में पेश किए जाने की बात हो रही है। तो क्या ये मामला और क्या इस बार बड़बोले आदित्य ठाकरे को लेने के देने पड़ जाएंगे, आपको बताते हैं सब कुछ। क्या काल कोठरी में डाल दिए जाएंगे वो भी बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आदित्य ठाकरे ने इस बार जो किया है वो उनको सबसे बड़ी मुश्किल में इस बार डाल सकता है, क्योंकि इस बार नो इफ नो बट वाली कहानी हो रही है। इस बार आदित्य ठाकरे ने सीधे सीधे बड़ी गर्दन तक हाथ डाल दिया, जोकर तो कहानी को पहुंचा दिया, जिसके बाद दिशा सालियान का मामला छोटा लगने लगा है। दिशा केस में जो होगा वो बाद में होगा, लेकिन इस बीच इस जोकर वाले मामले में बड़ा एक्शन हो सकता है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब पहले आपको बताते हैं कि आखिर जोकर वाला ये मामला है क्या। तो आदित्य ठाकरे ने वैसे तो हर बार कुछ न कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे बवाल होता है, खुद ही मुश्किलों में फंसते हैं, मगर इस बार सीधे सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला बोल दिया और बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक, बहुत ज्यादा गलत भाषा का इस्तेमाल किया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में 5 जोकरों की सरकार चल रही है। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा, महाराष्ट्र की सरकार के मुखिया जोकर हैं, उनके सहयोगी जोकर हैं और 5 जोकर मिलकर महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं, महाराष्ट्र प्रदेश को चला रहे हैं। तो जोकर कैसे राज्य को चला रहे होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर अंदाजा तो इस बात का भी हो गया है कि आदित्य ठाकरे ने इस बार बड़ी गलती, बड़ी क्या कहें कि सर पर अपने कुल्हाड़ी मोल ले लिए, सीधे सीधे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए। अब खबर यह है कि इस मामले में मानहानि का केस दर्ज करने की तैयारी हो रही है। जिस तरह से मानहानि के केस में राहुल गांधी को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, संसद सदस्यता तक चली गई थी, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर आदित्य ठाकरे के साथ भी हो सकता है। आदित्य ठाकरे पर मानहानि का केस करने की कन्फर्म तैयारी है, इसके लिए उन्हें नोटिस सर्व किया जा रहा है। नोटिस सर्व करने के लिए कई जगहों पर उनकी ढूंढ खोज भी हुई, हालांकि वो अभी तक मिले नहीं, लेकिन हाँ ये तय है कि अगले कुछ दिन में नोटिस जारी हो जाएगा और आदित्य ठाकरे को कोर्ट में पेश होना होगा। अब कोर्ट में पेश नहीं होते हैं या फिर पेशी से इनकार करते हैं या फिर कुछ आनाकानी भी करते हैं तो भी आदित्य ठाकरे को सीधे सीधे पकड़ कर लाया जा सकता है, दबिश दी जा सकती है, उनके ठिकानों पर धावा बोला जा सकता है, उसके बाद केस चलेगा और इस केस को जल्द से जल्द पूरा करने की बात भी कही जा रही है। और अगर आदित्य ठाकरे के खिलाफ ये केस, ये मामला साबित हो जाता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री की मानहानि की है, जो कि साफ साफ यहाँ पर लग भी रहा है, तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, उनकी विधायकी जाना भी तय हो जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार आदित्य ठाकरे ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है, खुद का ही नुकसान करा लिया है, बड़बोले बयान से इस बार खुद को बहुत ज्यादा मुश्किलों में डाल दिया है। तो क्या इस बार वाकई में बड़बोले आदित्य ठाकरे का कांड हो गया, क्या वाकई में मुश्किल में फंस गए या फिर उन्हें इस बार भी डराया जा रहा है, आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।